नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश वास श्रीलंका के बीच में जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का 38वां मुकाबला खेला जाना है उसकी। और भाइयों, इस मैच में क्या होने वाला है, कौन से प्लेयर्स इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, कैसे आपको टीम बनाना है, क्या रहेगी पिच रिपोर्ट, सब कुछ भाइयों आपको ए टू जेड इस वीडियो में पता चलने वाला है। बाकी भाइयों, वर्ल्ड कप आपके भाई का बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा है, हर रोज ही आपका भाई ग्रैंड लीग में टॉप कर रहा है, करवा रहा है। और कल भी आपके भाई के मेंबर ने सारे ग्रैंड लीग में टॉप किया, और परसों के जो दो मैच हुए थे, इंग्लैंड वर्स ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान वर्स साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान वर्स न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वर्स ऑस्ट्रेलिया, भाई बैक टू बैक तीन मैचों में ग्रैंड लीग विन हो गई। और मैं क्या बोलूँ यार, मतलब भाई जितनी वीडियो दे रहा हूँ हर मैच में ग्रैंड लीग विन कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ। एशिया कप चल रहा था ना, उस टाइम भी मैंने बोला था भाई वर्ल्ड कप तो आ जाने दो, मेरा फेवरेट टूर्नामेंट तो स्टार्ट हो जाने दो, 10+ मैचों में ग्रैंड लीग जितवाऊंगा, ऐसा मैंने बोला था, कमिटमेंट दी थी भाई। 37 मैच हुए हैं और 37 में से आपके भाई ने 20+ मैचों में ग्रैंड लीग विन करवा दी है, और छोटी मोटी नहीं, 2-2 करोड़ रुपए विन करवा दिए भाई। 2-2 करोड़ रुपए मेरे ही बंदे उठा रहे हैं हर मैच में बस वीडियो देखकर। यकीन नहीं है भाई, कल का रिजल्ट देखो आके टेलीग्राम पे, परसों के दोनों मैचों का रिजल्ट देखो। मैं तो बोलता हूँ आप मेरी सारी लाइन से वीडियो देखो, हर वीडियो में विनिंग्स प्रूफ दिखाता हूँ मैं, ठीक है, तो देख सकते हो आप भाई, ठीक है। बाकी हाँ, जो इंडिया का कल का रिजल्ट था वो तो मैं आपको दिखा दूंगा, परसों का भी दिखा दूंगा, जब मैं टीम बनाऊंगा तो ड्रीम इलेवन ओपन होगा तब मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है भाई। बाकी आप मेरे टेलीग्राम पे भी आके देख सकते हो, टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। तो भाइयों, वर्ल्ड कप का बता ही दिया मैंने, ज़बरदस्त चल रहा है। अगर आपको भी इस वर्ल्ड कप में एकदम सटीक प्रिडिक्शन चाहिए, ग्रैंड लीग विनिंग टीम्स चाहिए, तो बस वीडियो देखो, ग्रैंड लीग जीतो, बस इतना सा काम है अब, ठीक है भाइयों। तो ये तो लास्ट मैचों का बता दिया, बाकी भाइयों आज का जो मैच है, आज भी बड़ा ही ज़बरदस्त मैच है, क्योंकि ये जो पिच पे मैच है उस पिच का आपका भाई चैंपियन है अरुण जेटली। स्टेडियम में आखिर होता क्या है बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको पिच रिपोर्ट बताऊंगा आज के मैच की, फिर उसके बाद में मैं आपको आज के मैच की टीम बना के बताऊंगा। तो अभी मैं आपको सबसे पहले आज के मैच की पिच रिपोर्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद में टीम बना के बताऊंगा। तो भाइयों, सबसे पहले मैं आपको आज के मैच की पिच रिपोर्ट बता देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई, आप बस पिच रिपोर्ट सुनकर ही ग्रैंड लीग जीत जाओगे इस, क्योंकि ये पिच रिपोर्ट आपको कोई भी नहीं बताने वाला। चल मैं बता देता हूँ आखिर इस पिच पे होने वाला क्या है। भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में मुकाबला खेला जाना है, 2 बजे मैच स्टार्ट होने वाला है। और अब बात की जाएगी होगा क्या इस पिच पे। तो भाइयों, आज के मैच में आपको स्पिनर्स का बोल वाला फिर से दिखाई देने वाला है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आज भी स्पिनर्स का बोल वाला है भाइयों। क्यों है, लास्ट मैच याद है आपको इंग्लैंड वर्स अफगानिस्तान का, इस पिच पे हुआ था, मुजीब ने 3, राशिद ने 3, नबी ने 2, पूरे इंग्लैंड को तहस नहस कर दिया था। और फर्स्ट इनिंग में आदिल राशिद ने भी 3 निकाले थे, तो क्या समझे स्पिनर्स को इस पिच पे टर्न मिलता है, ठीक है। बाकी भाइयों, 2 बजे मैच स्टार्ट होगा तो धूप निकलेगी, धूप निकलेगी तो पिच रहेगी ड्राई, ड्राई विकेट पे तो ऑलरेडी स्पिनर्स का बोल बाला रहता है भाइयों, तो धूप की वजह से और भी आपको फर्स्ट इनिंग में स्पिन दिखाई देगी। बाकी जो भी टीम टॉस विन करेगी वो पहले बैटिंग जरूर चूज करेगी, क्योंकि सेकेंड इनिंग में गेंद और भी ज़्यादा टर्न होने लगती है। तो आपको स्पिनर्स की कहानी तो समझ में आ गई कि हाँ भाई स्पिनर चलने वाले हैं, अब कौन से स्पिनर चलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी भाइयों, ऐसा नहीं कि बस स्पिनर ही चलेंगे, फास्ट बॉलर्स को भी यहाँ पे विकेट मिलते हैं,
और अभी वर्ल्ड कप में आप देख रहे हो ना, अंडर लाइट में कितनी गेंद लहरा रही है। सेकेंड इनिंग में पावर प्ले में गेंदबाजी, कौन से फास्ट गेंदबाज करेंगे जिनको इस मैच में विकेट मिलने के पूरे पूरे चांसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी भाइयों, फर्स्ट इनिंग में डेथ ओवर्स में तो विकेट गिरते ही है, तो फर्स्ट इनिंग में डेथ ओवर्स में कौन से फास्ट गेंदबाज बॉलिंग करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाइयों, तो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, बल्लेबाज कितने लेना है वो भी समझा दूंगा। निशंका इस मैच में रिस्की है, ग्रीन लीग विन करना है तो ड्रॉप करना है निशंका को आज। क्यों? आगे समझ में आता जाएगा ना भाइयों आपको, मैं जब टीम बनाता जाऊंगा। अभी पिच रिपोर्ट समझो आप, पिच रिपोर्ट के साथ में प्लेयर्स के बारे में भी बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा भाई आपको इतना अच्छा बताता हूँ, इसलिए हर मैच में आपको ग्रैंड लीग में टॉप पर मेरी डीपी दिख जाती है, मेरे मेंबर्स दिख जाते हैं आपको। तो पिच रिपोर्ट में भाइयों देखो, जो कुछ था मैंने आपको बता दिया। दिन का मैच है, 2 बजे स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट इनिंग में आपको धूप की वजह से स्पिनर्स चलते हुए भी दिखाई देंगे। बाकी डेथ ओवर में तो फास्ट गेंदबाज को विकेट मिलते ही है, क्योंकि यार डेथ ओवर में अगर बल्लेबाज भी स्ट्राइक पर रहता है तो वो भी लप्पे घुमाता है, और गेंदबाज रहता है स्ट्राइक पे तो उसको बोल्ड मारना कोई गेंदबाज के लिए मुश्किल नहीं होता। तो फर्स्ट इनिंग के डेथ ओवर्स के गेंदबाज बता दूंगा। बाकी सेकेंड इनिंग में अंडर लाइट में क्या हो रहा है, हवा चल रही है और ये ग्राउंड वैसे ही खुला हुआ है, हवा चलेगी, अंडर लाइट में स्विंग मिलेगी फास्ट गेंदबाज। तो फास्ट गेंदबाज कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में स्पिनर कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, बल्लेबाज कितने लेना है, कौन से लेना है, भाई सब कुछ A to Z में बता दूंगा आपको, है ना। तो पिच रिपोर्ट के साथ में इस पिच पे प्लेयर्स कौन से अच्छे रहेंगे, किस कंडीशन में, वो भी आपको मैं टीम बनाते हुए समझाऊंगा। अभी तो पिच रिपोर्ट की बात थी, पिच रिपोर्ट में जो कुछ था मैंने आपको बता दिया। बाकी अब इस पिच रिपोर्ट के बेसिक पे आपको टीम कैसे बनाना है वो मैं आपको डायरेक्ट बना के बता देता हूँ, और बाकी कल का रिजल्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ओपन कर लेता हूँ ड्रीम इलेवन, और हाँ आप तो एक काम करो भाई, मेरे टेलीग्राम पे आके देखो, कल जो मैंने स्मॉल लीग की टीम दी थी, सिर्फ बुमराह की जगह पे आपको एक प्लेयर लेना था। स्मॉल लीग टीम से ही कई सारे बंदों ने एक चेंज करके ग्रैंड लीग में टॉप किया है, तो स्मॉल लीग की टीम देखो आप मेरे टेलीग्राम पे आके, दिल खुश हो जाएगा। और जितने बंदों ने ग्रैंड लीग विन करी उनका रिजल्ट भी मैंने पोस्ट किया है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं आपको ड्रीम इलेवन पे लेके जा रहा हूँ, तो दिखाई देता हूँ रिजल्ट भी कल का। कल क्या भाई, हर दिन ही ग्रैंड लीग जीत रहा है आपका भाई, यकीन नहीं है, मेरी आप सारी वीडियो देख लो भाई, सारी वीडियो देख लो, हर वीडियो में विनिंग प्रूफ दिखाता हूँ मैं। तो कल का जो मैच था उसका रिजल्ट मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ यार, ये लो दिखाता हूँ आपको, ये देखो ग्रैंड लीग में, ये देखो सेकंड रैंक पे आपके भाई की डीपी दिख गई आप, और देखोगे क्या, ये लो और देखो थर्ड रैंक पे आपके भाई की डीपी दिख गई आपको, इनने मुझे फॉलो भी किया हुआ है, वहां से मुझे फॉलो भी कर लेना भाइयों, लीडर बोर्ड में भी आपको दिख जाएंगे ये। बाकी भाइयों कोई पहली बार थोड़ी जीता है यार, हर मैच में आपका भाई, ये देखो अब आप बोलोगे हाँ यार भाई यकीन हो जाएगा आपको, ये देखो न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान की टीम देखोगे, अगर पानी नहीं आता तो सोचो 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 भाई। और मैंने क्या है इस मैच में अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए थे, विजन इलेवन पे ग्रैंड लीग विन करी थी, वैसे सलमान की जगह पे उसमें मैंने इफ्तिकार रखा था, ठीक है, तो ग्रैंड लीग विन हो गई थी। और बाकी जो नेक्स्ट मैच हुआ था इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, उसमें भी ग्रैंड लीग विन करी थी पर वो माई इलेवन सर्कल पे जीता था, उसका भी टेलीग्राम पे डला है भाई, आप टेलीग्राम पे आकर रिजल्ट देख लो। और मैं जितनी वीडियो देख रहा हूँ आप सब वीडियो में टीमें देख लो, मेरी प्रिडिक्शन देख लो, यकीन हो जाएगा आपको, समझ जाओगे कि हाँ आप मिल गया मुझे काम का चैनल, अगर आप इस चैनल पर नए हो। अब मैं डायरेक्ट आपको आज के मैच की टीम बना के बताता हूँ, मैंने खुद ने नहीं बनाई अभी टीम, लेकिन आपको अभी मैं बना के बता देता हूँ, आपके सामने ही सारा प्रेडिक्शन करूंगा। चलो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई खेलने वाला कौन कौन है, तो सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन में बात की जाएगी कौन कौन खेलने वाला है। तो भाई चारों ही विकेट कीपर आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। बात की जाए कौन से विकेट की, कौन कौन इसमें विकेट कीपरिंग करेगा, तो मुशफिकुर रहीम और कुशल मेंडिस आपको विकेट कीपरिंग करते हुए दिखाई देंगे। बात की जाए कौन कितने नंबर पे खेलेगा, तो कुशल मेंडिस आपको वन डाउन खेलता हुआ दिखाई देगा,
लिटन दास आपको ओपनिंग करता हुआ दिखाई देगा, सदियर समा विक्रम आपको टू डाउन खेलता हुआ दिखाई देगा, मुशफिकुर रहीम आपको थ्री डाउन खेलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बात की जाए भाई कौन राइटी कौन लेफ्टी, तो भाई चारों के चारों राइटी है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई लेना किसको है, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो भाई अभी श्रीलंका की तरफ से कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं खेल रहा है, तो बांग्लादेश की तरफ से राइट हैंडर्स इस मैच में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मुशफिकुर रहीम एक ग्रैंड लीग की बहुत अच्छी पिक, लिटन दास ग्रैंड लीग की एक बहुत अच्छी पिक, क्योंकि सामने वाली जो श्रीलंका उनमें कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नहीं खेल रहा, और इस पिच पे स्पिनर्स को हेल्प है थोड़ी ज़्यादा, है ना। और फर्स्ट इनिंग में क्या है कि अंडर लाइट में तो गेंदबाजी होगी नहीं, तो फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा फास्ट गेंदबाजों को भी मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट इनिंग है अगर बांग्लादेश की, तो मैं बोलूँगा मुशफिकुर रहीम और लिटन दास ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, समझ गए। बाकी बात की जाए सदीरा समा विक्रमा की और कुशल मेंडिस की, तो भाई ये दोनों इस मैच में रिस्की रह सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि शाकिब अल हसन है लेफ्ट आर्म स्पिनर, विकेट जल्दी ले सकता है मेंडिस और सदीरा समा विक्रमा का। ये दोनों लेफ्ट आर्म स्पिन पे कई बार फंसते हैं और इन स्विंग में भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, फास्ट गेंदबाज को भी थोड़ा ही अच्छे से नहीं खेल पाते हैं। तो उनके पास में शौरीफुल इस्लाम एक अच्छा फास्ट गेंदबाज है, उसके अलावा भी तास्किन अहमद भी एक बहुत अच्छा गेंदबाज है। अंडर लाइट में अगर बोल बैटिंग करती है श्रीलंका, तो भाई मैं बोलूँगा आप दोनों को छोड़ो, ठीक है, फर्स्ट बैटिंग के विकेट कीपर को ले लो आप। फर्स्ट बैटिंग में मान के चलो अगर श्रीलंका खेल रही है, तो आप चाहो तो मेंडिस को ले लो, पर शाकिब अल हसन का डर रहेगा। फर्स्ट बैटिंग अगर बांग्लादेश की, तो भाई मुशफिकुर रहीम और लिटन दास दोनों ही बहुत बेस्ट रहेंगे, चाहो तो दोनों को ले लो, चाहो तो एक को ले लो, ठीक है भाई। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं यहाँ से मुशफिकुर रहीम को ले रहा हूँ, क्योंकि श्रीलंका में कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल नहीं रहा है उनके पास में बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है पर खिला नहीं रहे, मैनेजमेंट खराब है। इंडिया वाई श्रीलंका के मैच में मैं बोल रहा था बिलाल के को खिला लो यार, खिलाया ही नहीं, खिला ही नहीं रहे भाई, मेंडिस को कप्तानी नहीं आती। मधुशंका विकेट चटका रहा था इंडिया के, तो उसको तीन ही ओवर दिए पावर प्ले में, चमीरा के सामने स्ट्रगल कर रहे थे इंडिया के ओपनर्स, तो उसको तीन ही ओवर दिए। मेंडिस की कप्तानी में बिल्कुल दम नहीं है। शनाका को बहुत शनाका गलत इंजर्ड हो गया इनका, इसलिए श्रीलंका पीछे हो गया, यही बात है। मेंडिस की कप्तानी में बिल्कुल भी दम नहीं है, वो बंदा लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नहीं खिला रहा है। और इस मैच में तो वैसे भी मुश्किल है लेफ्ट आर्म स्पिनर का खेलना, क्योंकि बांग्लादेश में ऑलरेडी लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मुश्किल है ना। तो भाई उसका एडवांटेज मिलेगा मुशफिकुर रहीम और लिटन दास को, ये दोनों ज़्यादातर आउट होते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, और वो अगर खेलेंगे नहीं तो भाई लंबा जा सकते हैं। पहले बैटिंग है बांग्लादेश की, तो मैं बोलूँगा दोनों को भी आप ले सकते हो, पर दो ले लोगे तो फिर बॉलर्स कम ले पाओगे, ऑलराउंडर्स कम ले पाओगे, इसलिए मैं सिर्फ एक को ले रहा हूँ मुशफिकुर रहीम को। साथ में विकेट कीपिंग भी इससे भी पॉइंट दिला देगा, स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, तीन चार स्टंपिंग कर दे, कैच पकड़ ले, रन आउट कर दे, भाई उसी में काफ़ी पॉइंट हो जाएंगे। तो मैंने लिया है मुशफिकुर रहीम को। लिटन दास भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है श्रीलंका में। तो अब चलते हैं बैटिंग सेक्शन में। अभी मैं आपको ग्रैंड लीग की टीम बना के बता रहा हूँ, बाकी मेरी स्मॉल लीग की टीम क्या रही वो मैं आपको नेक्स्ट टीम बनाते हुए बताऊंगा। अभी मैं ग्रैंड लीग का प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको, जिससे आप 2 करोड़ रुपए जीतो, है ना। तो बैटिंग सेक्शन में कौन कौन खेलेगा उसके ऊपर बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि मैं किसको लूंगा। उससे पहले पानी पी लेता हूँ। भाइयों वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले एशिया कप में बोल दिया था भाई, आपके भाई ने ऐसी धूम मचा के रखी है ना कि क्या बताऊं मैं आपको। चलो बात कर ली जाए बैटिंग सेक्शन में कौन कौन खेलने वाला है और कौन कौन कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मैं किसको लूंगा। भाई बल्लेबाज सिर्फ एक लूंगा मैं, एक एक ही बल्लेबाज लूंगा बस मैं इस मैच में। ऐसा क्यों है समझ में आएगा आपको आगे। तो भाइयों बैटिंग सेक्शन में बात की जाए कौन कौन खेलने वाला है, तो पतुम निशंका, महमूदुल्ला, दिमुत करुणारत्ने, दिमुत करुणारत्ने को हो सकता है इस मैच में रेस्ट दे दिया जाए। नाजमुल हुसैन शांतो का कंफर्म, ये भी इसको भी हो सकता है रेस्ट दे दे, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहा है, पर खिलाएंगे किसको फिर, वैसे ही तो बांग्लादेश की तरफ से कर ही कौन रहा है कुछ। चरित असलंका तो आपको कन्फर्म इस मैच में खेलता हुआ दिखाई देने ही वाला है,
बाकी यहाँ से टी हसन और तोहिद रेडोए, भाई दोनों ही टीमें इस मैच में चेंजेस तो करेगी क्योंकि कुछ इनका सही चल नहीं रहा है और वैसे ही दोनों बाहर हैं। चल बात कर लीजिए भाई कि बैटिंग सेक्शन में इम्पोर्टेंट कौन है। भाई देखो इस पिच पे क्या हो रहा है मैं बता दूं आपको कि पहले बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो जो पहले बैटिंग करे चाहो तो आप उसी के बल्लेबाज ले लो, जैसे कल हुआ है ना, सेकेंड इनिंग के बल्लेबाज को आप ड्रॉप कर सकते हो, ये रिस्क आपका काम कर सकता है। बाकी बात की जाए मैचअप के हिसाब से कौन चलेगा, तो भाइयों महमूदुल्ला आपको इस मैच में कन्फर्म चलता हुआ दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि देखो भाई राइट हैंडर बल्लेबाज है, श्रीलंका में लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं, और बैटिंग भी उसी टाइम पे आएगी जिस टाइम पे स्पिनर रहेंगे, तो महेश तिक्षणा, धनंजय डी सिल्वा, दुष्मंता हेमंता, तो उनको आराम से मारेगा भाइयों महमूदुल्ला। और महमूदुल्ला का फॉर्म देख रहे हो, हर वीडियो में मैंने बोला कि भाई महमूदुल्ला को ना छोड़ना, आज भी बोलूंगा महमूदुल्ला को ना छोड़ना, महमूदुल्ला को लेना है तो महमूदुल्ला को लूंगा। बात की जाए पतुम निशंका की, तो भाई वो बैटिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट रह सकता है, पहले बैटिंग में आप ट्राई कर सकते हो, सेकंड बैटिंग में छोड़ देना। क्यों? क्योंकि अंडर लाइट में स्विंग होती है तो फास्ट गेंदबाजों का ही डर रहेगा, शोरीफुल और तस्कीन अहमद का। बाकी उनके पास में, बांग्लादेश के पास में शाकिब अल हसन भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो आराम से पतुम निशंका को बोल्ड आउट कर सकता है। ठीक है, तो पतुम निशंका रिस्की रहेगा सेकेंड बैटिंग में, रन चेस अगर कर रही है श्रीलंका तो छोड़ दो। पतुम निशंका की कहानी समझ में आई, पहले बैटिंग में ट्राई भी कर सकते हो, लेकिन भाई वही धूप में और ज्यादा स्पिनर्स को हेल्प मिलती है तो शाकिब अल हसन का शिकार हो सकता है। अब शाकिब अल हसन आएगा कितने ओवर में ये देखना जरूरी होगा। ठीक है, पता चल रहा है कि 10 ओवर के बाद आए, तब तक के निशंका 50-60 रन बना जाए, तो ये भी चीज़ है। तो पहले बैटिंग में आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बाकी सेकेंड इनिंग में छोड़ दो। ठीक है, बात की जाए दिमुत की, तो भाइयों इसका फॉर्म सही नहीं है, पर हाँ छोटी मोटी टीमों के खिलाफ इसका बल्ला बहुत बोलता है, ट्राई कर सकते हो, पर भाइयों फॉर्म सही नहीं है और सेकेंड इनिंग में तो पेसर्स को स्विंग मिलेगी तो भाई ओपनर तो चले ही जाएंगे, इसलिए मैं बोलूँगा सेकेंड इनिंग में तो ड्रॉप ही करके चलना। बाकी चाहो तो फर्स्ट बैटिंग में ट्राई कर सकते हो अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करती है तो, लेकिन इनके पास में मेहंदी हसन, मिराज, मेहंदी हसन, महमूदुल्ला, तीन तीन ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, तो लेफ्ट ही का चलना थोड़ा सा मुश्किल है श्रीलंका की तरफ से, तो लेफ्ट ही है इसलिए मैं ड्रॉप ही कर रहा हूँ। राइट ही भी रिस्की है क्योंकि शाकिब भी है, फिर भी आप पहले बैटिंग में रिस्क ले सकते हो क्योंकि वो जो टीम पहले बैटिंग करेगी वही इस मैच को लगभग कन्फर्म है कि जीतने वाली है, तो पहले बैटिंग में ट्राई कर सकते हो, पर भाइयों मैं ड्रॉप ही करूँगा क्योंकि बंदे का फॉर्म सही नहीं है, रिस्क रहेगा फालतू। मेरे पास में जब कंफर्म प्लेयर मुझे मालूम है ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन में तो मैं क्यों उलझूं। नाजमुल हुसैन शांत तो छोड़ दो, अब बोलोगे क्यों छोड़ दो, क्योंकि भाई देखो श्रीलंका के पास में लेफ्टियों को आउट करने के लिए बहुत सारे हैं, तिक्षणा है, धनंजय है, असलंका खुद है, तो नाजमुल हुसैन शांत को छोड़ दो भाई, है ना, रिस्की रहेगा, कोई मतलब नहीं है। बात की जाए ऐसा लंका की, तो भाइयों देखो धनंजय डिसिल्वा अगर नहीं खेलेगा, ध्यान रखना काम की बात बता रहा हूँ, धनंजय डिसिल्वा नहीं खेलेगा तो मेरे कहने के ऊपर आप इसको 20 टीम में ले लेना। क्यों ले लेना? क्योंकि फिर आपको ये बॉलिंग करता हुआ दिखाई देगा, अगर धनंजय डिसिल्वा खेलेगा तो फिर मुश्किल है आपको बॉलिंग करता हुआ दिखाई दे, लेकिन हाँ असलंका बॉलिंग जरूर करता है लेफ्ट हैंडर्स के सामने खासकर, तो असलंका पे आप दाव खेल सकते हो इस मैच में, ग्रेट लीग में लेने का, स्मॉल लीग में लेने का, क्योंकि बांग्लादेश की टीम में लेफ्टी ज़्यादा है, टी हसन है, नाजमुल हुसैन शांतो है, शाकिब अल हसन है, फिर जाओगे बॉलिंग सेक्शन में तो शोरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, तास्किन अहमद, मतलब लेफ्टियों की टीम है, तो असलंका हो सकता है कि लेफ्ट हैंडर्स के सामने आपको बॉलिंग करता हुआ दिखाई दे। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं असलंका को लेके चल रहा हूँ क्योंकि धनंजय डिसिल्वा का खेलना कन्फर्म है नहीं है, अगर वो खेलेगा तो हो सकता है तो भी मैं ले लूं, क्योंकि भाई पता चल रहा है धनंजय डिसिल्वा को विकेट नहीं मिल रहा है, असलंका ट्राई कर रहा है आगे बॉलिंग करके और विकेट ले जा रहा है, याद है एशिया कप उस मैच में मालूम है, चलो आगे बताऊंगा मैं आपको उस मैच की कहानी आगे बताऊंगा, जिस मैच में 4 विकेट लिए थे असलंका ने उस मैच की कहानी आगे बताऊंगा। तो भाइयों महमूदुल्ला और चरित असलंका ये दोनों रहेंगे बैटिंग सेक्शन में इंपॉर्टेंट, बाकी आप यहां से चाहो तो तोहिद रिडोई को भी इस मैच में ट्राई कर सकते हो, फॉर्म बेकार है
लेकिन सामने वाली श्रीलंका में लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है और ज़्यादातर ये आउट होता है लेफ्ट आर्म स्पिन पे, वो है ही नहीं है सामने वाली टीम में, है लेकिन उसको खिलाएंगे नहीं। दुनित विलाल गे बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है पर उसको खिलाएंगे नहीं। श्रीलंका वाले इतने महान है कि इंडिया में पूरे राइटी थे तो उनके सामने नहीं खिलाया, तो यहाँ पे तो लेफ्टी भी है तो कहाँ से खिलाएंगे। तो ही द्रविड़ को आप चाहो तो ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर सकते हो, इन तीन बल्लेबाजों के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। एक वहाँ से लिटन दास भी इम्पोर्टेंट है, बाकी जो टीम पहले बैटिंग करेगी ज़्यादातर ज़्यादा बल्लेबाज उनके चलने के पूरे चांसेस हैं। बाकी इनका मैचअप अच्छा है और ये क्या है, महमूदुल्ला और असलम का ऑलराउंडर प्लेयर है, बॉलिंग भी करते हैं और स्पिच को स्पिनर्स को हेल्प है, और सामने वाली दोनों ही टीमों में लेफ्ट हैंडर्स हैं तो दोनों ऑफ ब्रेक बॉलर हैं और साथ में बैटिंग का भी बैकअप देंगे। तो ये दो बल्लेबाज एक विकेट कीपर, बाकी और मैं किसी को नहीं ले रहा हूँ। अब चलते हैं सीधे ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर में चलने से पहले टी हसन का बता दूं तो भाइयों महेश तिक्षाणा पावर प्ले में रहता है, टी हसन को आराम से आउट कर सकता है, तो टी हसन इस मैच में रिस्की प्लेयर। अब चलते हैं ऑलराउंडर्स में। ऑलराउंडर्स में आ गए भाइयों, बात कर ली जाए कौन कौन खेलने वाला है। तो शाकिब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज, एंजिलो मैथ्यूज, धनंजय डी सिल्वा इस मैच में आपको खेलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में लेफ्टी ज़्यादा है तो धनंजय डी सिल्वा आज के मैच में खेलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। बाकी दुनित विलाल गे से तो पता नहीं कुशल विंडीज की कुछ दुश्मनी वगैरह है कि क्या है, खिलाता ही नहीं है यार इतना अच्छा प्लेयर। ठीक है जान दो, अब क्या करें भाई, कप्तान वो है, टीम को लेके वो डूब रहा है, वो जाने उनका मैनेजमेंट जाने। कुशल मेंडिस अगर गलत डिसीजन ले रहा है तो उसके ऊपर भी तो बैठे होंगे ना प्लेयर, मैनेजमेंट होगा ना उनका, कोच वोच, उनको भी एडवाइस देना चाहिए कि भाई विलाल गे को खिलाओ, लेकिन नहीं खिला रहे, ठीक है मत खिला। तो वैसे भी आज बांग्लादेश में लेफ्टी ज़्यादा है तो मुश्किल ही है खेलना, बाकी इंडिया के मैच में इसको खिलाना चाहिए था। इंडिया के मैच में भी ग्रैंड लीग विनिंग प्रेडिक्शन दिया था, ग्रैंड लीग विनिंग टीम दी थी, ग्रैंड लीग विनिंग्स करवाई थी इंडिया के मैच में भी। भाई इंडिया के जितने मैच हो रहे हैं हर मैच में ही ग्रैंड लीग मेरे ही बंदे जीत रहे हैं, और मेरी आप वीडियो की टीमें देखो, टेलीग्राम की टीमें देखो इंडिया के मैचों की, दिल खुश हो जाएगा आपका, आत्मा तृप्त हो जाएगी, बोलोगे भाई मज़ा आ गया, अब तो बस आपकी ही वीडियो देखना है और आपकी ही टीम देखना है बस, बाकी तुक्केबाजों से दूर रहूँगा भाई, अब मैं ऐसे ही बोलोगे आप। तो भाइयों बात करते हैं आगे मैच के बारे में। मेहंदी हसन इस मैच में आपको खेलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि पिच पे स्पिनर्स को हेल्प मिलने वाली है, तो मेहंदी हसन अगर खेलेगा तो रख लेना, ये विकेट टेकर है साथ में रन भी बनाता है। बाकी दुशान हेमंता लास्ट मैच में कुछ नहीं करा इसने, तो हो सकता है इसको रेस्ट दे के धनंजय वापस आ जाए, धनंजय की जगह पे ही ये खेला था। बात की जाए भाई ऑलराउंडर सेक्शन में मैं किस किस को लेने वाला हूँ, तो भाइयों सबसे पहले लेने वाला हूँ यहाँ से शाकिब अल हसन को, वो इसलिए क्योंकि कुशल मेंडिस, सदिरा समा विक्रमा, पतुम निसंका, एंजेलो मैथ्यूज और भी इसके अलावा धनंजय अगर खेलता तो वो भी है, मतलब राइट हैंडर ज़्यादा है श्रीलंका की टीम में, राइट ही ज़्यादा है और इस पिच पे स्पिनर्स को हेल्प है, और प्लस बांग्लादेश की तरफ से लेफ्ट आर्म स्पिनर शाकिब अल हसन है। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का काम ही तो होता है राइट हैंडर्स का आउट करना, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर शाकिब अल हसन प्लस इस बैटिंग भी तगड़ी करता है, लेकिन बैटिंग से उम्मीद कम रखना क्योंकि महेश तिक्षणा है वो लेफ्ट हैंडर्स को थोड़ा जल्दी आउट कर देता है, तो बैटिंग से उम्मीद कम रखना, पर हाँ रन भी मारता है साथ में भाई, इस मैच में विकेट पक्के हैं शाकिब के, तो सीवी अपना आप बना सकते हो शाकिब अल हसन को, मेरी टीम में तो रहेगा भाई और आधे से ज़्यादा टीमों में सीवी में शाकिब अल हसन को ही इस मैच में करने वाला हूँ। अब और किसको लेने वाला हूँ उसके ऊपर बात करते हैं, तो भाइयों मेहंदी हसन मिराज को लेने वाला हूँ। मेहंदी हसन मिराज को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि श्रीलंका की टीम में लेफ्टी भी तो है, दिमुथ है, असलंका है, अगर विलाल के खेलता तो ये भी लेफ्टी है, फिर तो इनके पास में लेफ्टी भी है, तो उन लेफ्टियों को आउट करने का रामबाण उपाय मेहंदी हसन मिराज। और भाइयों मेहंदी हसन जरूरी नहीं है कि बस लेफ्टियों को ही आउट करता, भाई ये राइट हैंडर्स को भी बड़े जल्दी आउट कर देता है, तो मेहंदी हसन मिराज को भाई लेना ही है, 90% सिलेक्शन है। ये मत सोचना कि भाई इसको सब ले रहे तो मैं ग्रैंड लीग में रिस्क लेके छोड़ दूँ, मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, रन भी बना के देगा आपको क्योंकि राइट हैंडर होने का एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि श्रीलंका में लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है और ये ज़्यादा बैटिंग नीचे करता नहीं है,
तो बैटिंग से आपको अच्छा खासा काम करके देगा, साथ में भाइयों विकेट टेकर है प्लस स्पिनर है, पिच पे स्पिनर को हेल्प है मेहंदी हसन मिराज, इस मैच में आपको तगड़ा काम करके दे सकता है, सीवीसी बनाना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। तो मेहंदी हसन मिराज को लिया है। बाकी भाइयों धनंजय डी सिल्वा खेलेगा तो रखना है, धनंजय डी सिल्वा खेलेगा तो पूरी 20 टीम में 100% रखना है, ठीक है, तो ध्यान रखना धनंजय डी सिल्वा अगर खेलेगा तो रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि टी हसन, नाजमुल हुसैन चांदो, शाकिब अल हसन, ये तीन लेफ्ट हैंडर्स तो आपको टॉप ऑर्डर में दिख जाएंगे, बाकी जब आप नीचे आओगे तो बॉलर भी पूरे के पूरे लेफ्टी हैं। अगर नासूम अहमद खेलता है तो वो भी एक लेफ्टी हो जाएगा फिर बांग्लादेश की तरफ से। तो भाई लेफ्ट हैंडर्स को आउट करने के लिए मुझे लगता है कि इस मैच में धनंजय डे सिल्वा को भी खिलाया जाएगा श्रीलंका की तरफ से, तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं लेके चल रहा हूं, बाकी नहीं खेलेगा तो फिर तो हटा ही दूंगा ना यार। तो यहां से धनंजय डी सिल्वा, शाकिब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज, ये तीन मैंने ऑलराउंडर लिए हैं। बाकी मेहंदी हसन खेले तो भाई वो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, क्योंकि क्या ये डेथ ओवर में बॉलर बॉलिंग करने लगता है, ठीक है, आखिरी आखिरी के ओवर डालता है, तो वहां पे फिर वो लेफ्टी राइटी कुछ नहीं चलता वहां, तो भाई हर कोई शॉट घुमाता है और ज्यादातर गेंदबाजी स्ट्राइक पे रहते हैं एंड में। तो मेहंदी हसन को भी भाई विकेट मिल जाते हैं और प्लस इस पिच पे स्पिनर्स को अच्छी हेल्प है, तो मेहंदी हसन खेलेगा ले लेना भाइयों, ठीक है। मेहंदी हसन बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, अच्छा स्पिनर है, विकेट टेकर स्पिनर है, प्लस स्पिनर को इस पिच पे स्पिनर को ये विकेट शूट करने वाला है, ठीक है। तो मैंने अभी लिए हैं यहाँ से तीन ऑलराउंडर। बाकी भाइयों दुशान अहमद था रिस्की है, पर ग्रैंड लीग की एक अच्छी पिक रहेगा अगर खेलेगा तो, क्योंकि वही स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी फर्स्ट इनिंग में भी सेकेंड इनिंग में भी। तो दुशान अहमद को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, पर मैं ड्रॉपी करके चल रहा हूँ। तो भाइयों यहां से मैं लूंगा तीन ऑलराउंडर। अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। भाइयों बॉलिंग सेक्शन में है खजाना, खजाना है भाइयों, लूट लो, बॉलिंग सेक्शन में है खजाना। चलो पहले बात कर ली जाए कौन कौन खेलने वाला है। मधुशंका, तिक्षणा, रजिता, शोरीबुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, दुश्मंत चमीरा, तास्किन अहमद, सबके सब आपको ही खेलने, जो लास्ट मैच में खेले थे सबके सब आपको लगभग कन्फर्म है कि इस मैच में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, या फिर हो सकता है भाई दोनों ही टीमें बाहर है तो हो सकता है एक्सपेरिमेंट करें, यहाँ से जो नीचे के तीन हैं उनको मौका दिया जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है भाइयों। तो बात कर ली जाए, अभी मैं मान के चल रहा हूँ भाई ये टीम क्या है, जीत नहीं पा रही तो हो सकता है जीतने के लिए खेले तो वही अपनी स्ट्रॉन्ग, सॉरी स्ट्रॉन्ग लाइनअप के साथ में उतरे। चलो बॉलिंग सेक्शन में देखो भाई, डिसाइड करेगा कौन सी टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो किसको लेना है, कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है तो किसको लेना है, गेंदबाजों को बताता हूं अभी आपको। अभी तो मैं आपको एक ग्रैंड लीग की टीम बना के बता रहा हूं, इसके बाद में दो ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन और बना के बताऊंगा, फिर उसके बाद में मैं आपको स्मॉल लीग की टीम बना के बताऊंगा। तो भाइयों बात कर ली जाए बॉलिंग सेक्शन में मैं किस किस को लेने वाला हूं। तो भाइयों डिसाइड करेगा कौन सी टीम पहले बॉलिंग करती है, ठीक है। अब दोनों ही कंडीशन में मैं किसको लेने वाला हूं पहले वो बता देता हूं, फिर बताऊंगा आपको कि हाँ बांग्लादेश बॉलिंग करती तो इसको लेना है, श्रीलंका पहले बॉलिंग करती तो इसको जरूर लेना है। चलो अभी तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई दोनों ही कंडीशन में ऐसे कौन से गेंदबाज है जिसको मैं रखूंगा ही रखूंगा। तो भाइयों सोचो सबसे पहले मैं किसको लूंगा, कल जैसे महाराज को सबसे पहले लिया था, कुलदीप में बात कुलदीप को लिया था, तो बताओ आज सबसे पहले मैं बॉलिंग सेक्शन में किसको लूंगा, कमेंट करके बताओ। कमेंट हो जाए तो एक लाइक भी ठोक देना भाइयों, कल के वीडियो पे लाइक आए, देखो ग्रैंड लीग विन कराई, लाइक ठोकते रहोगे ग्रैंड लीग विन करते रहोगे, अपना अपना लाइक का बटन दबाओ, ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है, कमेंट के साथ में एक लाइक भी ठोक देना। अभी आप बता दो कि सबसे पहले मैं बॉलिंग सेक्शन में किसको ले रहा हूं, बताओ। कमेंट हो जाए तो एक लाइक का बटन दबाना मत भूलना भाइयों। हो गया बता दिया, चलो अब मैं बता देता हूं कि मैं सबसे पहले किसको लेने वाला हूं। तो भाइयों इस मैच में सबसे पहले मैं लेने वाला हूं तीक्ष्णा को, महेश तीक्ष्णा, पूरे वर्ल्ड कप में कुछ नहीं करा बंदे ने, बैटिंग से भले पॉइंट देके गया,
लेकिन बॉलिंग से कुछ नहीं करा इस मैच में। इस मैच में आपको विकेट निकाल के देगा। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि पावर प्ले में आएगा तो तानजी दसानी एक लेफ्टी मिल जाएगा, वो आउट होगा तो नाजमुल हुसैन चांद तो दूसरा लेफ्टी मिल जाएगा, वो आउट होगा तो शाकिब अल हसन स्ट्राइक पे लेफ्टी मिल जाएगा। क्या समझे कहानी? शुरू में तो विकेट पक्के हैं, अब क्या है कि ये दे तो ओवर में भी गेंदबाजी करता है, तो शोरीफुल इस्लाम, तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, भाई तीन जो बॉलर है वो भी तो लेफ्टी हैं। तो भाई तिक्षणा इस मैच में सीवीसी बनाने लायक प्लेयर है। ठीक है, तिक्षणा को सबसे पहले लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, बैटिंग भी कर रहा है भाई आजकल, तो रन भी मारने लगा है। और क्या है, 50 ओवर का मैच है, मैच टक्कर का होगा, बैटिंग भी आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो तिक्षणा भाई मैं बोलूँगा आप ग्रैंड लीग की टीमों में सीवीसी बनाओ आज के मैच में, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, विकेट निकाल के देगा ही देगा आज के मैच में आपको। सिलेक्शन मत देखो, टीम में लेके चलो, बढ़िया काम होने वाला है। ठीक है, अब और किसको लूंगा चलो बताओ, दूसरे नंबर पे दोनों ही कंडीशन में किसको लूंगा, कोई भी टीम बॉलिंग करे या बैटिंग करे, अगर अभी तक के लायक नहीं ठोका हो तो ठोक देना। ठीक है, दूसरे नंबर पे चलो मैं बता देता हूँ आपको कि मैं, हाँ, उस गेंदबाज को दोनों ही कंडीशन में लेके चलूंगा, तो उस गेंदबाज का नाम है, बता दूं तो उस गेंदबाज का नाम है भाई शोरीफुल इस्लाम। दोनों ही कंडीशन में मेरी टीम में रहने वाला है, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज, विकेट टेकर गेंदबाज, हमेशा विकेट चटकाता है, मेरा भरोसेमंद गेंदबाज, विकेट लेस बड़ी मुश्किल से जाता है, तो भाइयों शोरीफुल इस्लाम को लेना तो बनता है। साथ में शोरीफुल इस्लाम बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है, बांग्लादेश के विकेट जाएंगे तो बैटिंग से पता चल रहा है आपको, रन भी मार के दे, बाकी फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग दोनों में ही वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। वो इसलिए क्योंकि देखो भाई, फर्स्ट बॉलिंग है अगर यहाँ से बांग्लादेश की, तो आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग डाल के देगा साथ में पावर प्ले में। सेकेंड इनिंग है बांग्लादेश की, सेकेंड इनिंग में अगर बांग्लादेश बॉलिंग कर रहा है तो आपको अंडर लाइट में गेंदबाजी करता हुआ दिखाई देगा। तो भाई दोनों ही कंडीशन में चलना लगभग कन्फर्म है, कोई भी टीम बॉलिंग करे या बैटिंग करे, शोरीफुल इस्लाम को मैं लेने वाला हूँ। अब भाइयों और सोचो अब मैं किसको लूंगा, चलो अब मत कमेंट करो आप, अब मैं आपको बताता जाता हूँ। देखो भाइयों, अब मैं लूंगा यहाँ से डी मधुशंका को। डी मधुशंका जबरदस्त गेंदबाज, विकेट टेकर गेंदबाज, हमेशा विकेट चटका रहा है, लेकिन आज इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। क्यों डाउट है? खासकर श्रीलंका अगर पहले बॉलिंग कर रही है ना, तो उस कंडीशन में मुझे डाउट है इसके ऊपर। बोलोगे भाई क्यों है बताओ तो सही, वो इसलिए क्योंकि भाई देखो इसका स्पेल जो है ना खत्म हो जाता है, 40 से 43 ओवर तक के इसका स्पेल खत्म हो जाता है। बहुत कमी से होता है कि ये एंड के जो 45 के बाद में 50 तक के ओवर होते हैं उनमें ये बॉलिंग करता है, बहुत मतलब मुश्किल से होता है। तो फर्स्ट बॉलिंग है अगर श्रीलंका की, तो वैसे तो भाई लेके चलना, क्योंकि विकेट छटका रहा है, स्विंग मिल रही है, कहीं ना कहीं से विकेट निकाल लेगा बांग्लादेश के जब इंडिया के निकाल रहा है। तो मधुशंका पे भाई देखो मेरे को डाउट है कि हो सकता है फर्स्ट बॉलिंग में फ्लॉप हो जाए, पर मैं लेके चलूंगा क्योंकि जो इसको हेल्प मिल रही है उसको देखते हुए, और पता चल रहा है भाई डेथ ओवर में बॉलिंग कर दे फर्स्ट बैट फर्स्ट बॉलिंग में लास्ट मैच की तरह, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है लेके चल रहा हूँ। बाकी हाँ, अगर श्रीलंका सेकेंड बॉलिंग कर रहा है तो भाई 20 टीम में ले लेना। सेकेंड इनिंग का जबरदस्त गेंदबाज, ये 1 से लेके 20 ओवर तक की 8 8 9 ओवर डाल देता है। क्यों? क्योंकि भाई स्विंग मोमेंट मिलता है, अंडर लाइट में बॉल लहराती है, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों ही बढ़िया जबरदस्त डालता है। रोहित शर्मा का डंडा देखा, याद है ना आपको? 5 विकेट निकाले थे, एक दो विकेट थोड़ी निकाले थे भाई, सीवीसी बना के दिया था वीडियो में। तो आज अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रही श्रीलंका अंडर लाइट में, तो मधुशंका को आप आज भी सीवीसी बना सकते हो और फर्स्ट बॉलिंग में भी ले सकते हो, पर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि हो सकता भाई आज 40 ओवर के पहले स्पेल खत्म हो जाए और ज़्यादा मूवमेंट मिला नहीं फर्स्ट बॉलिंग में, क्योंकि ज़्यादा स्पिच पे स्पिनर्स को हेल्प है, मूवमेंट ज़्यादा मिला नहीं, तो वही मार्को जैनसन का जो कल हाल हुआ था वो इसका भी हो सकता है फर्स्ट बॉलिंग में। पर फिर भी मैं लेके चलूंगा क्योंकि भाई फॉर्म अच्छा है बंदे का और विकेट चटका रहा है। ठीक है, तो मैं लेके चलूंगा दोनों ही कंडीशन में। बाकी आपको मैंने बता दिया कि फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा खास नहीं रहेगा, सीवीसी मत बनाना फर्स्ट बॉलिंग में। ठीक है,
तो मधुशंका का समझा दिया आपको, दोनों कंडीशन में ले सकते हो, खासकर ये सेकेंड बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एक प्लेयर और दुश्मनता चमीरा, इसको आप दोनों ही कंडीशन में ले सकते हो, फर्स्ट बॉलिंग सेकेंड बॉलिंग। विकेट टेकर है यार ये बंदा, लास्ट मैच में 3 विकेट निकालता। शुभमन गिल का कैच छूटा, विराट कोहली का खुद ने छोड़ा 2 बार और विराट कोहली 1 बार बचा, स्टंप से छू के गई थी गेंद लेकिन गिल्ली नहीं गिरी। तो दुश्मंत चमीरा 25% है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई ये, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों ही डालता। इसके पास में पेस भी है, गति भी है, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता है फर्स्ट बॉलिंग में, तो डेथ ओवर्स में विकेट तो गिरते ही है कोई भी टीम हो, तो डेथ ओवर्स में आपको बॉलिंग डाल के देगा। और अगर सेकेंड बॉलिंग है श्रीलंका की, तो आपको पावर प्ले में अंडर लाइट में गेंदबाजी करता हुआ दिखाई देने वाला है। तो यहाँ से दुश्मंत चमीरा दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट प्लेयर है, खासकर ये पहले बॉलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले बॉलिंग में तो आप इसको सीवीसी भी अपना कर सकते हो, तो बांग्लादेश के खिलाफ इसके रिकॉर्ड बड़े गजब है। ठीक है, तो भाई वो 10 प्लेयर हो चुके हैं मेरे। अब जो एक प्लेयर है, देखो भाई ये बात जो है ना, ये जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये बात आपको शायद पता नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो यार भाई बहुत सी बातें आपको पता नहीं होगी, वीडियो देखते जाओ आप मेरी, ऐसा एक्सपर्ट बना दूंगा ना, बोलोगे भाई अब तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, ऐसा एक्सपर्ट बना दूंगा, बस आप वीडियो देखते जाओ, जो आपका भाई बताता है उसको ध्यान में रखो भाई, एक्सपर्ट बन जाओगे आप। ठीक है, चलो एक बात मैं बता दूं आपको भाई, ये देखो इस मैच में रजिता का सिलेक्शन कितना है, 72%, सिलेक्शन भी ज़्यादा है। इस बॉलिंग में कोई छोड़ेगा रिस्क लेके तो वो हार जाएगा। ग्रेडलिंग में सोचेगा कोई कि अरे यार इसको तो सभी ले रहे हैं, मैं ग्रेडलिंग में रिस्क ले लेता हूँ इसको हटाने का, भारी पड़ेगा आज। रजिता फर्स्ट इनिंग में भी इम्पोर्टेंट रहेगा, सेकेंड इनिंग में भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब बोलोगे भाई क्यों, पूछो क्यों, देखो भाई चलो बता देता हूँ मैं आपको, ये आउटस्विंग डालता है, लेफ्ट हैंडर्स के विकेट चटकाता है। अगर श्रीलंका का तिक्षणा विकेट नहीं ले रहा है ना, तो ये लेफ्टियों को खा जाएगा, और लेफ्टी कितने सारे हैं, और प्लस डेथ ओवर में भी आपको बॉलिंग डाल तब वो दिखाई देगा, तो डेथ ओवर में भी अगर बॉलर स्ट्राइक पे तो वो भी लेफ्टी बांग्लादेश के, ध्यान रखना ये ओप स्पिनर से ज़्यादा इफेक्टिव आपको इस मैच में साबित हो सकता है। क्यों बोलोगे क्यों, कि भाई ये ज़्यादा आउटस्विंग डालता है और मैंने देखा है इसको लेफ्टियों को बड़े जल्दी बोल्ड मार देता है रजिता, ध्यान रखना लेफ्ट हैंडर्स के इसके रिकॉर्ड बड़े गजब है। लास्ट मैच में इंडिया के खिलाफ विकेट नहीं मिला, पर भाई इस मैच में ध्यान रखना विकेट मुझे लगभग कंफर्म दिख रहा है रजिता का, एक नहीं दिख रहे हैं क्योंकि लेफ्टी ज़्यादा है, तो हो सकता भाई गुच्छों में 3-4-5 विकेट निकाल ले रजिता आज के मैच में। मधुशंका से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के मैच में रजिता, तो रजिता को मैं लेने वाला हूँ भाइयों। अब क्या है, मुझे एक गेंदबाज और लेना है, तो भाई अभी के लिए मैं हसलंका को हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक गेंदबाज और लेना है, तो वो गेंदबाज होगा, देखो भाइयों अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग कर रहा है तो मुस्तफिजुर रहमान, क्योंकि डेथ ओवर्स में बॉलिंग डालेगा। बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रहा है तो अंडर लाइट में बॉलिंग कौन करेगा, तास्किन अहमद, समझ गए। तो मैंने चमीरा लिया है क्योंकि श्रीलंका पहले बॉलिंग करेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव है, तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ तास्किन अहमद को। तो भाइयों ये रहेगी मेरी ग्रेड लीग की टीम, कैसी लगी कमेंट करके बताना। ठीक है, बाकी लाइक ठोकना मत भूलना यार भाइयों, लाइक ठोकते हो ना तो ग्रेड लीग विन होती है। तो ये रही भाइयों मेरी ग्रेड लीग की टीम। अब इसमें आप क्या है, थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हो एक एक प्लेयर, क्या है कि देखो भाई ये टीम सभी लोग लगाएंगे, जितने पता नहीं आज कितने व्यूज आते हैं, 1 लाख आते हैं कि 1.5 लाख आते हैं, तो सभी लोग लगाएंगे, तो आप क्या करना थोड़ा थोड़ा चेंज करना, उससे क्या आपकी रैंक क्लेश नहीं होगी, और हो सकता है कि आपका वही चेंज काम आ जाए, पता चल रहा है 2 करोड़ आप ही ले जाओ, ठीक है कल जैसे ले गए है ना मेरी टीम में थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके, तो कर लिया करो थोड़ा थोड़ा चेंज, उससे क्या होगा कि भाई देखो मेरा भी क्लेश नहीं होगा और आपका भी क्लेश नहीं होगा, जीतोगे तो आप पूरा अमाउंट जीतोगे है ना। तो थोड़ा सा चेंज कर लेना मेरी टीम में, आप क्या चेंज करोगे, देखो भाई विकेट कीपर चेंज कर सकते हो, अगर धनंजय डी सिल्वा नहीं खेल रहा है तो उसकी जगह किसी और को ले सकते हो है ना, वो आप अपने हिसाब से कर लेना इस टीम में चेंज। ये टीम ज़्यादातर इफेक्टिव तब साबित होगी जब
श्रीलंका पहले बॉलिंग करे, क्योंकि तास्किन अहमद मैंने पावर प्ले की गेंदबाजी के लिए लिया है, अंडर लाइट में अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, तो ये मेरी ग्रैंड लीग की टीम है। अब इसमें सीवीसी बना के बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा भाई, अब आप बोल रहे हो भाई ग्रैंड लीग की इतनी बातें करते हो, आपने कितनी जीती है ये तो बता दो। तो भाई आप मेरे टेलीग्राम पे आओ, ठीक है, समझ जाओगे। आए दिनों ही मैं ग्रैंड लीग जीत रहा हूँ, आए दिनों ही मैं ग्रैंड लीग विनिंग प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। मेरी वीडियो देखकर ही बंदे 2 करोड़ रुपए विन कर रहे हैं। ठीक है, जो बंदा कल जीता था ना, उनने जिस मैच की मैं कहानी बता रहा था, चरिस असलंका ने 4 विकेट चटकाए थे। चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये टीम में सीवीसी अभी आके बनाएंगे, पहले आपको वो चीज दिखाता हूँ मैं आपको। आप जाना यहाँ पे विनर सेक्शन में और फिल्टर लगाना एशिया कप, वो जो भाई कल जीते हैं ना उनको मैंने पहले भी जीता चुका हूं। ये देखो, ये ही थे भाई जो कल जीते थे सारी ग्रेड लीग, 2 करोड़ रुपए जितवाए थे मैंने इंडिया व श्रीलंका के मैच में एशिया कप में इनको, और उस मैच में मैं कितने जीता था, 57 लाख रुपए। 20 ग्रैंड लीग जीता था, 20 ग्रैंड लीग। बस सबसे बड़ी वाली मिस हो गई थी, क्योंकि ये भाई बैठे हुए थे ना, इनने मेरी वीडियो की टीम देख के अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा चेंज करके 2 करोड़ रुपए विन करे थे। डीपी भी लगी हुई है बकायदा, इनने मुझे फॉलो भी किया हुआ है, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो ड्रीमलैंड पे जाके इनकी फॉलोइंग लिस्ट में से, इनको भी फॉलो कर लेना अपने भाई है। ठीक है भाइयों, तो कर लेना ये काम। बाकी ग्रैंड लीग की टीम तो दिखाई दी थी मैंने आपको, वापस मैं आपको वो कंप्लीट करके उसमें सीवीसी बना के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको एक ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन और बना के बता देता हूँ। अगर श्रीलंका पहले बैटिंग कर रहा हो तो ठीक है। तो भाई देखो, इस मैच में सी मेरा रहेगा शाकिब अल हसन, बीसी रहेगा मेहंदी हसन मिराज इस टीम में। इसको आप चाहो तो अपनी स्मॉल लीग मिनी ग्रैंड लीग्स में भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको, अगर मान के चलो श्रीलंका बॉलिंग नहीं कर रहा है पहले बैटिंग कर रहा है, तो आप क्या करना, तास्किन की जगह पे रहमान को ले लेना, बस इतना सा काम आपको करना है। और क्या है कि श्रीलंका अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगा तो भाई मधुशंका बेस्ट और रजिता के रिकॉर्ड लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बेस्ट, तो चाहो तो इनको बना सकते हो। साथ में तिक्षणा लेफ्टियो को उड़ाने में सक्षम है बहुत ही ज्यादा, तो तिक्षणा को भी आप सीवीसी कर सकते हो। तो श्रीलंका अगर अंडर लाइट में गेंदबाजी कर रहा है तो मेरा कैप्टन रजिता और वॉइस कैप्टन मेरा रहेगा तिक्षणा। ये रही भाइयों श्रीलंका अगर सेकंड बॉलिंग कर रहा है तो दोनों ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन मैंने आपको बना के दे दिए, देख लो दोनों। ठीक है, अब मैं आपको एक स्मॉल लीग की टीम बना के बताता हूँ, स्मॉल लीग में क्या करूंगा भाई वो बता देता हूँ। देखो भाइयों, जो टीम पहले बैटिंग करेगी ज्यादा जीतने के चांसेस उसके रहेंगे। तो मान के चलो अगर बांग्लादेश बैटिंग कर रहा है तो मैं उनके फेवर में टीम बना लूंगा, अगर श्रीलंका पहले बैटिंग कर रहा है तो मैं उनके फेवर में टीम बना लूंगा। बाकी स्मॉल लीग के प्लेयर मेरे कौन कौन से रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। स्मॉल लीग में देखो भाई, रजिता को, तिक्षणा को, शोरीफुल इस्लाम को, चमीरा को, मधुशंका को, शाकिब अल हसन को, मेहंदी हसन मिराज को, धनंजय डी सिल्वा खेलेगा तो लूंगा, नहीं तो ड्रॉप कर दूंगा। और बांग्लादेश की तरफ से महमूदुल्ला इम्पोर्टेंट है, श्रीलंका की तरफ से असलंका इम्पोर्टेंट है क्योंकि बॉलिंग भी डाल सकता है आज। बाकी मेंडिस और रहीम, इन दोनों में से किसी एक को लूंगा, ज़्यादा चांसेस रहीम के हैं तो रहीम को मैं लूंगा स्मॉल लीग में। अब बचेगा एक प्लेयर तास्किन अहमद और रहमान में से किसी एक को लूंगा। बॉलिंग करेगी पहले बांग्लादेश तो रहमान, बैटिंग करेगी बांग्लादेश पहले तो तास्किन अहमद। ठीक है, तो ये रही स्मॉल लीग की टीम। अब इसमें सीवीसी की बात की जाए, देखो भाई धनंजय डी सिल्वा खेलेगा तो मैं असलंका को हटा के धनंजय डी सिल्वा को ले लूंगा। ठीक है, चलो ले ही लेते हैं यार, नहीं खेलेगा तो हटा देंगे। ये हो गई भाई स्मॉल लीग की टीम, खासकर जब जब बांग्लादेश की टीम पहले क्या करती है बैटिंग। ठीक है, तो अब इसमें सीवीसी तो भाई वही शाकिब और मेहंदी, ये मुझे बेस्ट दिख रहे हैं स्मॉल लीग में सीवीसी। ठीक है भाइयों, तो सब कुछ मैंने बता दिया भाइयों, एक चीज और बताने की रह गई, आओ टेलीग्राम पे रिजल्ट देखो भाई। और यकीन नहीं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो भाई मेरी सारी वीडियो देख लो आप, यकीन हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ आप मेरी इंडिया के मैचों में टीमें देख लो वीडियो में, इतना सा टाइम निकाल के। और अगर आपको लगता है हाँ भाई ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो आप मेरे टेलीग्राम पे आओ, रिजल्ट देखो, प्रूफ देखो, बोलो कि हाँ भाई मज़ा आ गया यार,
आप ही हो भाई, अब तो मैं बस आपको ही फॉलो करूंगा, आपका ही चैनल सब्सक्राइब करूंगा, बेल आइकन को प्रेस करूंगा। जब भी वीडियो आएगी सुबह सबसे पहले 7 बजे आप वीडियो देते हो, सब काम छोड़ के पहले वीडियो देखूंगा, ऐसा बोलोगे आप रिजल्ट देख के। ठीक है भाई, तो सब कुछ बता दिया। बाकी भाई हाँ, ब्लॉग भी बनाता हूँ मैं, ब्लॉग चैनल की लिंक वैसे तो आपकी भाभी का चैनल है, इसी वीडियो के टाइटल में डिस्क्रिप्शन में आपको ब्लॉग चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। ब्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना भाइयों, वहाँ पे डेली अपडेट्स हम लोग डालते रहते हैं अपनी, क्या दिन भर में करते हैं, कैसे करते हैं। और अभी गोल्ड शॉपिंग, महिंद्रा थार और क्या बोलते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ब्लॉग डाला है, वीकेंड ब्लॉग, वो देखना बड़ा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो ब्लॉग चैनल की भी लिंक है भाइयों। और हाँ, प्राइम के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं, प्राइम के बारे में बता देता हूँ भाइयों। प्राइम ग्रुप में मैं ग्रैंड लीग की टीम्स देता हूँ, अगर आपको मेरी ग्रैंड लीग की टीम्स चाहिए लाइनअप के बाद में, टॉस के बाद में, मैं प्राइम ग्रुप में ग्रैंड लीग की टीम्स देता हूँ। और क्या है कि छोटे मोटे जो मैच होते हैं वो भी मैं प्राइम में कवर करता हूँ, वो ओपन नहीं देता हूँ। तो आपको भाई छोटे मोटे मैच जो होते हैं शारजा दुबई, इनके आप मेरे टेलीग्राम पर रिजल्ट तो देखो आके, मस्त हो जाओगे, बोलोगे हाँ यार भाई मिला है काम का चैनल। तो प्राइम के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ ध्यान रखना मेरे नाम से बहुत फ्रॉड होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है बता देता हूँ, मेरे मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको बता देता हूँ, कभी भी जिंदगी में या फिर आज ही आपको प्राइम लेना है तो वहाँ पे कांटेक्ट करना व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9131658484, यहाँ पे आपको प्राइम की डिटेल मिल जाएगी। ठीक है भाइयों, तो कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो। बाकी हाँ, मेरा रियल टेलीग्राम चैनल सिर्फ एक ही है, कुछ दिनों में वेरीफाइड भी होने वाला है, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, हो तो टेलीग्राम चैनल भी याद से ज्वाइन कर लेना। और हाँ, मेरे नाम से क्या है कि भाई लोग मैसेज करते रहते हैं, ध्यान रखो कि भाई मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी को मैसेज करूँ। हाँ, अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, पर भाई मैं कभी किसी को मैसेज नहीं करता। ठीक है, क्या है कि बंदे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, यहाँ पे सब जगह मेरे नाम से फ्रॉड कर रहे हैं, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप हर जगह मेरी डीपी लगा लेते हैं और ठग लेते हैं लोगों को। ठीक है भाई, तो बच के रहो, सावधान रहो। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बता ही दिया, रियल टेलीग्राम चैनल मैंने अपना बता ही दिया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाइयों, बाकी ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।